Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. बेटा आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका सिलेबस आउटलाइन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन. हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और फिर उसके बाद हमने रिवीजन भी दिया. सिलेबस आउटलाइन में जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी कॉपी पे राइट डाउन हुई नहीं है वो आपको लर्न करनी है. ठीक है, सिलेबस आउटलाइन जो आपको मिल चुकी है, आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, ये सिलेबस आउटलाइन आपके पास मौजूद है या अपने सामने ओपन करके रखें. इस सिलेबस आउटलाइन में जो चैप्टर इंक्लूडेड है वो चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने डिफरेंट कंप्यूटर की डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस आपकी कॉपी में मौजूद है. अपनी कॉपी ओपन कीजिए और उसमें देखिए जैसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डिफरेंशिएट है. इसके अलावा एक्सरसाइज जो डिवाइसेस की हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें लार्जेस्ट कैपेसिटी कौन सी डिवाइस की होती है या फास्टर स्पीड कौन सी होती है, तो ये डिवाइसेस के बारे में जो भी आपकी कॉपी में एक्सरसाइज राइट डाउन हुई है वो आपको लर्न करनी है. इसके अलावा कुछ मैचिंग एक्सरसाइज है, जैसे ये मैचिंग की एक्सरसाइज है, ये पजल है, तो ये आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे. ठीक है, इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया था कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज करते हैं जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाए जाते हैं. तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी आपने अपनी कॉपी में की है, जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग की एक्सरसाइजेस हैं, ये आपने अच्छी तरीके से लर्न करनी है. चैप्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्क. नेटवर्किंग के हवाले से हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस किया कि 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, उनकी टोपोलॉजीज यानी उनकी फिजिकल अरेंजमेंट. तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं लाइक क्वेश्चन आंसर हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने अच्छी तरीके से लर्न करनी है. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 यूजिंग इंटरनेट. यानी इंटरनेट के चैप्टर में इंटरनेट के हवाले से हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया और उनकी एक्सरसाइज आपने राइट डाउन की अपनी कॉपी में जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं. तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है. इन डिफरेंट चैप्टर्स की 2, 3, 4, 5 ये डिफरेंट चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेस आपकी कॉपी में राइट डाउन हुई हुई है इनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है. क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव को, पजल्स क्वेश्चंस को, इन तमाम एक्सरसाइजेस को आप लर्न करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे पेपर्स दे सकें. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.